कि विश्वामित्र तू तो महाशब्द छोड़ के आया था, पर भी तूने त्याग दिया, केवल मुनि रह गया था, इसके बाद भी तुझे भगवान नहीं मिला है, सम्मान ही सम्मान मिल रहा है। विश्वामित्र निश्चित रूप से अब तुझे जीवन जीना नहीं चाहिए, सरयू में महाप्रयाण करना चाहिए, सरयू जल में प्रवाहित कर देना चाहिए अपने को, अब तुझे जिंदा रहने का अधिकार नहीं है। यज्ञ करने के बाद भी भगवान नहीं मिला, अयोध्या में आने के बाद भी भगवान नहीं मिला, अब तुझे जिंदा रहने का अधिकार नहीं है विश्वामित्र, अब तो तुझे सरयू जल में महाप्रयाण करना चाहिए। दशरथ जी ने चरण पकड़ लिए, महाराज समझ नहीं पा रहा हूं आप बेचैन क्यों हो रहे हैं। कहा बेचैन मैं इसलिए हो रहा हूं कि मैं सम्मान लेने के लिए नहीं आया था, जिसे लेने के लिए आया हूं वो दिखाई नहीं दे रहा है, और जिसे लेना नहीं चाहता हूं वो आगे आगे मेरे सामने। इसका मतलब यह है कि जब भगवान दूर हो जाता है तो निश्चित है उसके सामने अनंत प्रलोभन आ जाते हैं। भगवान दूर हो जाता है ये समझ लेना चाहिए, जब प्रलोभन आ जाए या प्रलोभन कोई दिखाने लग जावे तो समझ लेना चाहिए भगवान दूर हो गया है। तुम ये प्रलोभन दिखा रहे हो क्या क्या, ये सिंहासन छोड़ के मुझे प्रसन्न करना चाहते हो, आरती उतार के आशीर्वाद लेना चाहते हो। नहीं नहीं, आज मैं कुछ देने के लिए नहीं आया हूं, आज मैं लेने के लिए आया हूं। और याद रखना, मैं तुम्हारा राज्य लेने नहीं आया हूं, मैं तुम्हारी सुविधाएं लेने नहीं आया हूं, मैं तुम्हारे अयोध्या के साम्राज्य को प्राप्त करने के लिए नहीं आया हूं, सम्मान लेने के लिए भी नहीं आया हूं। हे दशरथ, मैं भगवान लेने आया हूं, भगवान कहाँ है, मेरे सामने नहीं है, मुझे दिखाओ, सब कुछ दे रहे हो लेकिन भगवान को क्यों नहीं दिखा रहे हो, भगवान कहाँ है। दशरथ जी ने कहा, महाराज भगवान चलिए आपको ले चलें। तो विश्वामित्र जी महाराज ने सोचा कि हो सकता है दशरथ जी आगे ले जा रहे हों, और जैसे ही ले गए भगवान को दिखाने के लिए ले जा रहे होंगे, भगवान को कहीं सुरक्षित रखे होंगे, और जैसे ही दशरथ जी महाराज कहे चलिए महाराज, और जैसे ही विश्वामित्र जी महाराज को आगे ले गए तो रंगनाथ भगवान का मंदिर था, कहे महाराज करो दंडवत, तो कर लो दर्शन, रंगनाथ भगवान का मंदिर कहे दंडवत करिए, दर्शन करिए, यही तो है भगवान। विश्वामित्र जी ने कहा, दशरथ वो भगवान कहां है, इस भगवान की तो प्रतिष्ठा हुई है लेकिन वो भगवान प्रकट हुआ है। बोलो रंगनाथ जी की तो प्रतिष्ठा हुई है ना, रंगनाथ भगवान की प्रतिष्ठा हुई है, लेकिन जो भगवान स्वयं प्रकट हुआ है वो कहां है। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, वो भगवान कहां है। जाकर नाम अरे सुनत सुबह होई, ओ मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई। वो भगवान कहां है जो तुम्हारे घर में आया है, जाकर नाम सुनत सुबह होई, वो भगवान कहां है। कहे महाराज नाम बताओ आप तो। कहे राम, जो आनंद सिंध सुखरासी, सीकर तई त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा, वो राम कहां है। अब दशरथ जी महाराज ने जैसे सुना तो कहे महाराज वो तो छोटे छोटे बच्चे हैं, 15 साल की उम्र है बालक की, तो कहीं खेलने के लिए गया होगा मोहल्ला पड़ोस में नगर में, बच्चे ही तो है 15 साल की आयु है। कहे 15 साल की आयु, ब्रह्म की कोई आयु होती है दशरथ, ब्रह्म की कोई आयु होती है दशरथ, ब्रह्म का लक्षण तो वज्रादपि कठोराणि मृदून कुसुमादपि, वो कुसुम से फूल से भी ज्यादा कोमल होता है और वज्र से भी ज्यादा कठोर होता है। उसकी आयु पर विचार कर रहे हो तुम कि आयु छोटी सी 15 साल की है, कहीं खेलने गया होगा। दशरथ कहीं भी हो मैं उसी को लेने के लिए आया हूं, कहां है वो, मुझे राम चाहिए, राम की आवश्यकता है।
दशरथ जी महाराज ने कहा राम की आवश्यकता है तो राम को लेने आए आप कि राम को देखने आए आप, पहले ये बताओ आप देखने आए हो कि लेने आए हो। कहे देखने नहीं आया हूं लेने आया हूं। लेने तो लेने आए तो लेके कहां जाना चाहते हो, बड़ी समस्या है। आज कोई साधु किसी के घर में पहुंच जाए और वो साधु अगर ये कहे कि हम तुम्हारे बेटे को लेने के लिए आए हैं मुझे बेटा दे दो, तो ईमानदारी से बताना आज पूरा परिवार सशंकित हो जाएगा। साधु हमारे बेटे को लेने आया, इसका मतलब साधु बनाने के लिए आया। अच्छा बोलो साधु बनाना क्या बुरी बात है, बोलो। तीन की जरूरत है याद रखना, और विशेष रूप से दो की तो परम ही आवश्यकता है। इस देश को महान बनाने के लिए दो की बहुत जरूरत है आज, एक तो सैनिक की और दूसरे संत की, बोलो है कि नहीं। एक सैनिक की जरूरत है, दूसरा संत की जरूरत है, और यदि मात्र पक्ष में देखा जाए तो हमें सती की भी जरूरत है। संत सती सैनिक अगर ये हमें प्राप्त हो जाए तो निश्चित रूप से हमारा जीवन धन्य धन्य हो जाएगा, जीवन हमारा कृतकृत हो जाएगा। आज संतों का अभाव होता जा रहा है क्योंकि समस्या खड़ी कर दी तुम लोगों ने, समस्या तुम लोगों ने पैदा की है। आपको महाराज हम लोगों ने क्या समस्या पैदा कर दी, हम चाहते हैं कि हमें संत मिले, संत हम बनावे, लेकिन कोई बालक मिले तब ना संत बनावे, लेकिन बालक मिलता ही नहीं है। क्यों? आपने नियम बना लिया हम दो हमारे दो, बस यही नहीं हम दो हमारे दो। अच्छा एक बात बताओ, हम दो हमारे दो ये नारा तुमने देना शुरू कर दिया। मैं कहता हूं इस देश के लिए हमें तुम्हारे तप की जरूरत है, और तुम्हारा तप क्या है? अगर तुमने सुसंस्कारित संतान को जन्म दे दिया तो निश्चित रूप से हमारा देश गौरवान्वित हो जाएगा, हमारी धरती गौरवान्वित हो जाएगी, हमारा सनातन धर्म गौरवान्वित हो जाएगा, क्योंकि हम देश की रक्षा के लिए आपके बेटे को सैनिक बनाएंगे और धर्म की रक्षा के लिए आपके बेटे को हम संत बनाएंगे, हमारा धर्म गौरवान्वित हो जाएगा। हमें संत की जरूरत है, सैनिक की जरूरत है, और इन दोनों का प्रभाव सुरक्षित रहे इसके लिए हमें सती के सतीत्व की जरूरत है। सती का सतीत्व होगा तो निश्चित है कि हम कभी भी अपने जीवन में, हमारा देश कभी भी पराजय को प्राप्त नहीं हो सकता है, सदा विजयी भी होता रहेगा। सती का सतीत्व जो है विजयश्री दिलाता है। सती का सतीत्व केवल पति को जीवित रखने के लिए ही नहीं होता है, याद रखना सती का सतीत्व केवल पति के जीवित रखने के लिए ही नहीं होता है, पति को जीवन देने के लिए ही नहीं होता है, सती का सतीत्व तो हमारे राष्ट्र को जीवित करता है, हमारे राष्ट्र को गौरवान्वित करता है, इसलिए सती का सतीत्व बहुत महत्वपूर्ण होता है। आज राम को लेने आया हूं, राम कहां है, राम कहां है, राम कहां है, राम को लेने आया हूं। किसके लिए महाराज लेने आए? कहा यज्ञ की रक्षा के लिए। तो यज्ञ की रक्षा के लिए, यज्ञ की रक्षा के लिए मैं स्वयं हूं चलूं आपके साथ? कहा नहीं, तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम्हारी जरूरत मुझे नहीं है, क्योंकि जितनी शक्ति तुम्हारे अंदर है उससे ज्यादा तो मेरे अंदर शक्ति है। यज्ञ करना है, सफल होना है यज्ञ को। यज्ञ सफल कब होगा? हे दशरथ, शक्ति से यज्ञ सफल नहीं होता है, यज्ञ तो भगवत कृपा से सफल होता है। भगवान की कृपा जब होती है तब यज्ञ सफल होता है। मैंने तो बहुत अनुभव किए हैं, लोगों ने करोड़ों रुपया देने का आश्वासन दिया कि महाराज करोड़ों रुपया हम खर्च करेंगे, लेकिन एक विशाल यज्ञ हो जाए, करोड़ों रुपया हम खर्च करने को तैयार हैं। तारीख निश्चित कर दी गई,
टेंट हाउस वालों को पैसा दे दिया, लाइट वालों को पैसा दे दिया, बड़े बड़े विद्वानों को पैसा पहुंच गया है मार्ग व्यय के लिए, और विद्वानों को जितने वैदिक विद्वान हैं उनके पास पैसा पहुंच गया, साकिल खरीद के आ गई और साहब 60 लाख रुपया में यज्ञशाला बन के तैयार हो गई। 60 लाख में बिहार वालों ने बना के तैयार की थी, 60 लाख लगे थे उस यज्ञशाला, बहुत विशाल यज्ञशाला थी। अच्छा भाई, हजारों कुंडियों का यज्ञ होना था, सारी व्यवस्था लग गई, लेकिन कोरोना आ गया तो यज्ञ नहीं हो पाया, समझ लो, और अभी तक नहीं हो पाया, अभी तक नहीं हो पाया। पैसा लाखों चला गया, समझ गए हो कि नहीं, लाखों रुपया चला गया, अभी तक नहीं हो पाया। मध्य प्रदेश की बात है, ऐसा नहीं है कि मैं वैसे ही बोल रहा हूं, ये इस बात सत्य बोल रहा हूं, अभी तक नहीं हो पाया, लाखों रुपया बट गया चला गया, लेकिन वो तारीख अभी तक नहीं बन पाई, वो मुहूर्त अभी तक निकल के नहीं आया। ईमानदारी से बताओ, पैसे से, पैसे के बल पर यज्ञ होता है कि भगवान की कृपा के बल पर यज्ञ होता है? भगवान की कृपा के बल पर यज्ञ होता है, पैसे के बल पर यज्ञ नहीं होता है। और जिनका धन लग जाता है यज्ञ में, ये समझ लेना चाहिए उनके ऊपर भगवान की कृपा हो गई, उसमें एहसान की बात मत मानना कि एहसान हो गया, ना ना। अगर तुम्हारा धन यज्ञ भगवान की सेवा में लग गया और यज्ञ सफल हो गया, भगवत कथा में तुम्हारा धन लग गया और कथा यदि सफल हो गई, निर्विघ्नता पूर्वक सफल हो गई, तो ये समझ लेना चाहिए कि हमारे ऊपर भगवान की कृपा हो गई, क्योंकि ज्ञान यज्ञ में, होम यज्ञ में हमें भी दान देने का अवसर प्राप्त हो गया। इसलिए अपने को कभी अभिमान से मत जोड़ना, भगवान की कृपा से जोड़ना। आज विश्वामित्र जी महाराज ने कहा कि ये सब मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल मुझे राम चाहिए, और यज्ञ की सफलता के लिए चाहिए। याद रखना, बल से, तुम्हारे बल से दशरथ मेरा यज्ञ नहीं होगा, मुझ मेरा यज्ञ होगा कृपा के बल पर। इसलिए राम कहाँ है, मुझे राम चाहिए। अनुज समेत, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बध में हो सनाथा। अनुज समेत देहु रघुनाथा, मुझे राम चाहिए राम, और राम के साथ में एक राम का छोटा भाई। तो दशरथ जी ने कहा वो भरत, भरत कहे भरत नहीं, जो बारहिते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। लक्ष्मण, मैंने ये सुना है कि जन्मते ही उसकी रति रामचरणारविंदों में है, और याद रखना उसकी विशेषता एक सुनी है मैंने दशरथ, क्या? जग महासखा निसाचर जेते, और लक्ष्मण हनयन मिस महते ते। ये विशेषता मैंने लक्ष्मण की सुनी है, इसलिए अनुज समेत देहु रघुनाथा, और निश्चर बध में हो सनाथा। राम के साथ लक्ष्मण चाहिए। महाराज दशरथ कांपने लगे, ऐसे कांपने लगे। विश्वामित्र जी ने कहा मैंने राम को मांगा, तुम कांप क्यों रहे हो? कहे महाराज इसलिए कांप रहा हूं कि इस रघुवंश की परंपरा में आज प्रश्न चिन्ह लग रहा है। क्यों लग रहा है प्रश्न चिन्ह? रघुवंश की परंपरा है, मांगने वाले कभी मना सुन के नहीं गए, लेकिन आज मुझे मना करना पड़ रहा है। सब सुत मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बलत गुरु।
गोसाई राम देत नहीं बनात गोसाई सब सुत मोहि प्राण की नाई राम देत नहीं बनात गोसाई राम देत नहीं बनात गोसाई सुत मोहि प्राण की नाई राम देत नहीं बनत गुसाई राम को नहीं दे सकता। रघुवंश की परंपरा है मंगल लहाई न जिनके नाही ते नरवर थोड़े जग माही मांगने वाले कभी मना सुन के नहीं गए। लेकिन आज प्रश्न चिन्ह लग रहा है रघुवंश की परंपरा पर कि आज मैं दे नहीं पा रहा हूं मना कर रहा हूं मना दे नहीं सकता राम देत नहीं बनत गुसाई राम को नहीं दे सकता हूं महाराज क्षमा करिए। विश्वामित्र जी ने कहा यह बताओ राम को क्यों नहीं दे सकते हो क्यों नहीं दे सकते हो। इसलिए नहीं दे सकता हूं क्योंकि राम पर मेरा अधिकार नहीं है। अच्छा किसका अधिकार है जिसका अधिकार हो उसके उसका नाम लो तो हम उससे मांग लें उसमें क्या दिक्कत की बात। दशरथ जी महाराज ने सोचा कि ऐसे का नाम लूं कि विश्वामित्र जी बिना ही मांगे चले जाएं। अच्छा इसमें एक और राज छिपा हुआ है क्या मुनि आगमन सुना जब राजा मिलन गए उले विप्र समाजा अयोध्या में मुनि हो गए थे लेकिन जब सिद्धाश्रम में रहते थे तो महामुनि थे मांगने का विचार बना के चले तो मुनिवर हो गए और जब अयोध्या पहुंचे तो वर हट गया मुनि हो गए लेकिन जब मांग दिया तो दशरथ जी को भाषा बदलनी पड़ी अपनी। दशरथ जी ने कहा महाराज विप्र वचन नहीं कहे ऊ बिचारी विप्र वचन नहीं कहे ऊ बिचारी सीधा विप्र कहा कोई बात नहीं चाहे विप्र कहो चाहे कुछ भी कहो लेकिन हम अपना लक्ष्य पूरा करने आए हैं मुझे राम चाहिए इसलिए मुझे राम चाहिए तो राम कहाँ है राम को दो वो यदि नहीं दे सकते हो तो कारण बताओ क्यों नहीं दे सकते हो। दशरथ जी ने कहा राम पर मेरा अधिकार नहीं है। क्यों नहीं है राम पर राम तो आदर्शवादी है आदर्शवादी पुत्र जिसका हो पिता का पूरा अधिकार उसके ऊपर रहता है कि नहीं रहता है जल्दी बोलो। आदर्शवादी पुत्र के ऊपर माता पिता का संपूर्ण अधिकार होता है और यदि आदर्शवादी संतान नहीं है तो माता पिता का कोई अधिकार नहीं रहता है। लेकिन क्या बात कर रहे हो चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ खबरदार ये राम के व्यक्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हो कि राम पर मेरा अधिकार नहीं है। राम वो आदर्शवादी है राम के नाम के पहले मर्यादा पुरुषोत्तम लगा हुआ है ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम के अलावा किसी के नाम में नहीं है। लेकिन कहते हो राम पर मेरा अधिकार नहीं है कहे महाराज सुनिए तो आप नाराज मत हो इसलिए कह रहा हूं कि राम पर मेरा अधिकार नहीं है क्योंकि राम मेरे पास धरोहर के रूप में। अच्छा तो राम है किसके कहा राम जी तो गुरुदेव की कृपा से प्राप्त हुए। गुरुदेव का नाम क्या है कहा वशिष्ठ जी महाराज। अच्छा दशरथ जी के मन में यह भाव आया कि अगर विश्वामित्र जी महाराज के सामने वशिष्ठ जी महाराज की बात कह दी जाएगी कि वशिष्ठ जी महाराज ने धरोहर के रूप में राम को मेरे पास रखा है इसलिए अधिकार श्री वशिष्ठ जी महाराज का है अगर वो कह दें तो हम दे दें तो भाव क्या निकल रहा है इसमें भाव यही निकल रहा है दशरथ जी अनुमान लगा रहे थे कि विश्वामित्र जी महाराज वशिष्ठ जी से नहीं मांगेंगे राम को इसलिए नहीं मांगेंगे कि मेरे 100 बेटे जब पहले ही इन्होंने भस्म कर दिए तो ये राम को कैसे दे पाएंगे क्योंकि 100 पुत्र भस्म करने वाले वशिष्ठ के 100 बेटों को भस्म करने वाले विश्वामित्र वही तो राम को मांग रहे हैं इसलिए वशिष्ठ जी महाराज तो डायरेक्ट कह देंगे स्पष्ट कह देंगे कि नहीं महाराज यहाँ कोई लेन देन की परंपरा नहीं है प्रसाद पा लिया आपने कि नहीं लो दक्षिणा लो सियावर रामचंद्र की जय बस दक्षिणा लो जाओ प्रसाद तो आपने पाई लिया है ये दक्षिणा पकड़ो और जाओ बस हो गया यहां लेने देने की ये परंपरा ही नहीं है।
बस दक्षिणा देने की परंपरा है सुदक्षिणा लो, भोजन पवाने की परंपरा है भोजन पाओ, दक्षिणा लेने की परंपरा दक्षिणा लो, लेकिन ये संतान को मांगने की परंपरा, वशिष्ठ जी महाराज नहीं कहेंगे, राम को नहीं देंगे, ऐसा भाव दशरथ जी का है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। सामान्य जीवात्मा की सोच में और महात्मा की सोच में बहुत अंतर होता है, सावधान, जीवात्मा की सोच में और महात्मा की सोच में अंतर होता है। यहां वशिष्ठ जी महाराज की सोच में और दशरथ जी की सोच में भी अंतर है। क्या दशरथ जी सोच रहे हैं कि यहां मतभेद है वशिष्ठ जी में और विश्वामित्र जी में, लेकिन विश्वामित्र जी सोच रहे हैं कि वशिष्ठ और विश्वामित्र में मतभेद तो है लेकिन मन भेद नहीं है। यज्ञ की रक्षा के लिए दोनों का संकल्प है, अगर हम यज्ञ की रक्षा के लिए राम को मांगेंगे तो विश्वास है कि वशिष्ठ जी महाराज कभी मना नहीं करेंगे। इसलिए विश्वामित्र जी ने कहा कि कोई बात नहीं है, बुला लो वशिष्ठ जी को, अगर वो कह देंगे तो तुम दे दोगे? हाँ महाराज, मुझे कोई दिक्कत नहीं, अगर वो कह दें तो दे देंगे, बुलाओ। वशिष्ठ जी महाराज को बुलाया और जैसे वशिष्ठ जी को बुलाया, वशिष्ठ जी आए, देखा विश्वामित्र जी बैठे हैं तो आसन की ओर नहीं गए, विश्वामित्र जी की ओर बढ़े और जैसे विश्वामित्र जी के समीप पहुंचे तो पहले ही से विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी को देखकर खड़े हो गए। देखो भैया, ये एक दूसरे का अभिवादन करते हैं ना महात्मा, तो खड़े हो गए और जैसे विश्वामित्र जी के समीप पहुंचे वशिष्ठ जी, तो विश्वामित्र जी महाराज को हृदय से लगा लिया वशिष्ठ जी ने। जब दोनों महात्मा वशिष्ठ और विश्वामित्र हृदय से हृदय मिलाकर मिल रहे थे तो दशरथ जी माथा पकड़ के रो रहे थे, कन्फर्म है अब राम चले गए, अब राम रुकने वाले नहीं है, अब राम को कोई रोक नहीं सकता, अब तो राम निश्चित चले जाएंगे, ऐसा सोच ही रहे थे। इतने में वशिष्ठ जी महाराज ने विश्वामित्र जी से पूछा, उदासीनता का कारण क्या है, उदास क्यों है? महात्मा को उदास नहीं होना चाहिए, उदासीनता का कारण क्या है बताइए ना। आप जैसा महात्मा उदास हो जाए, खबरदार, उदासीनता दूर करो। कहे, उदास इसलिए हूं कि मेरा यज्ञ सफल नहीं हुआ। आपका तो यज्ञ सफल हो गया लेकिन मेरा यज्ञ सफल नहीं हुआ, इसलिए मैं उदास हूं। वशिष्ठ जी ने कहा, तो यज्ञ सफल हो जाएगा? दशरथ जी ने कहा कि मैंने सब कुछ कह दिया, मांगो भूम धेन धन कोसा सर्वसाज देव से रोसा, महाराज लेकिन लेने को तैयार नहीं है। अगर मैं खजाना देने को तैयार हूं तो उदास होने की क्या जरूरत है, खजाना पर्याप्त मिल जाए, यज्ञ सफल हो जाए। वशिष्ठ जी ने कहा, खबरदार दशरथ, धन के प्रभाव से कभी कोई यज्ञ को सफल नहीं कर सकता है, यह भ्रम है, धन के प्रभाव से कभी यज्ञ सफल नहीं होता है और धन के अभाव में कभी यज्ञ विफल नहीं होता है, धन के अभाव में कभी यज्ञ विफल नहीं होता है और धन के प्रभाव से कभी यज्ञ सफल नहीं होता है, यह वशिष्ठ जी ने कहा है। इसलिए कहता हूं कि सूत्र रामायण के समझना चाहिए, फिर किससे होता है महाराज। वशिष्ठ जी ने कहा, दशरथ धन की बात छोड़ो, जब भी यज्ञ सफल होता है तो धन के प्रभाव से नहीं, धर्म के प्रभाव से सफल होता है और धर्म के अभाव से विफल होता है। धर्म का अभाव होगा तो यज्ञ विफल हो जाएगा और धर्म का प्रभाव होगा तो यज्ञ सफल हो जाएगा। यहां धन नहीं है, यहां क्या है, धर्म है। और याद रखना, यज्ञ की रक्षा शक्ति किसी की ताकत नहीं करती है, यज्ञ की रक्षा कोई सेना नहीं करती है, यज्ञ की रक्षा धर्म करता है, धर्मो रक्षति रक्षिता, यज्ञ की रक्षा धर्म करता है। और राम, रामो विग्रहवान धर्मः, राम साक्षात धर्म है, इसलिए राम ही यज्ञ की रक्षा करेंगे, तुम्हारा धन यज्ञ की रक्षा नहीं कर सकता है, राम करेंगे, रामो विग्रहवान धर्मा। इसलिए देहो भूप मन हर्षित, देहो भूप मन हर्षित, तजहु मोहि अज्ञान, धर्म सुजस प्रभु इन कहां, तुम कहां अति कल्याण। विश्वामित्र जी ने कहा, देने में संदेह नहीं करना चाहिए, देहो भूप मन हर्षित, उदासीनता छोड़ो, जल्दी प्रसन्न होकर के दो, क्योंकि वशिष्ठ जी महाराज ने कह दिया है, अब संदेह नहीं करना है,